ओके अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यू कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ योर स्क्रीन. नाउ दिस इज द आरएचएसवी, सो साइड व्यू इस तरफ आएगा. लेंथ इज 60. हाइट इज वन थर्टी. होप थोड़ा कॉशियसली आपने पेज यूज किया है. यूजुअली ये क्वेश्चन हम पोर्ट्रेट मोड में सॉल्व कर देते हैं ऐसा. मेरा भी नहीं जा रहा है बाहर. 130 हाइट है, सो ये 60 mm मैंने लेंथ लिया है. बॉक्सेस दिस इज फॉर फ्रंट व्यू. This is for top view. Top view का विड्थ कितना है? 70. So all boxes are ready now. Let's start with the front view.
लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आई थिंक हम ये डायरेक्टली बना सकते हैं ना, जैसे सेंटर लाइन ढूंढ के ये दो सर्कल बना सकते हैं। कैन वी लेट्स डू इट, फाइंड आउट द सेंटर। I will draw the center line. एंड रेडियस कितना है 30, तो 30 पे एक हॉरिजॉन्टल आएगा, यह आ जाएगा सेंटर सर्कल का, है ना। यू कैन ड्रॉ इट। Use a compass. Use a compass. देन 20 का नाउ आप क्या बना सकते हो, आप बोलो, आप बोलो। अब हम क्या बना सकते हैं, बोलो। ये लाइन बना सकता हूँ ना अभी मैं। Can I make it this? Can I? ये सर्कल, सर्कल का सेंटर फाइंड आउट किया, सर्कल का सेंटर कितना है इसका मिड, फिर ऊपर 30, दैट्स इट। ये 60 है ना, इसका मिड 30 पे, फिर यहां से सीधा ऑर्थोगोनल 30 mm ऊपर, तो ये 30 बन जाएगा, ये 30 है, ये 30 है, सो रेडियस भी 30 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस मैंने सेंटर फाइंड आउट किया। सेंटर कहाँ पे होगा बोलो, बताओ मुझे, क्या ये सेंटर 60 के बीच में होगा, ऊपर 30? ओके लेट्स ड्रॉ इट। चलो ड्रॉ करो,
सर्कल हो गए। इसका थिकनेस कितना है, इस प्लेट का, इस प्लेट का थिकनेस कितना है, 15, और ये ऊपर सिलेंड्रिकल का 25। लेट्स डू इट। ये सीधा जाएगा डार्क ऊपर, फिर ये इसका लेंथ कितना है, 25। है ना, ट्वेंटी फाइव, और उसका डायमीटर कितना है, R20। सो R20 मतलब फुटे में मुझे नीचे आना पड़ेगा। मैं फटक से क्या करता हूं, एक सेंटर लाइन बना के लेता हूं यहां से, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश। और ये आ जाएगा डायमीटर 25 mm। आई एम ऑप्टिमाइजिंग माई टाइम, then I will join. Okay. So ऊपर का सिलेंडर है सर, रेक्टेंगल देखिएगा, और इसका विड्थ कितना दिया है, 15। आई थिंक 15 ही है, सो ये डार्क नहीं आएगा। 15 mm यहां से इधर। दिख रहा है सर, इज इट सो, समझ में आया? ये 15 mm है ना, 25, ये 15। ये 25, ये 15 हो गया। तो कौन बोलेगा ये रिब कैसे बनानी है? अब ये तो रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं दिखेगी, कैसे बनानी है रिब? ये कॉर्नर में से है, हाउ टू मेक दैट रिब, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप योर ड्राइंग। देखो ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे होगा, फिर आगे आपको टॉप व्यू भी नहीं ड्रॉ करने आएगा, फ्रंट व्यू भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये 15 है, ये 10 है,
This is 25. This is 25. And this is 15. ये सीधा ऊपर तक गया, फिर 25, ये नीचे 40, फिर 10 mm, 15 बचा. See the question. समझ में आया? याद देखो. है कि नहीं? वैसे ड्रॉ किया ना? ऐसे ड्रॉ किया ना? ये दो सर्कल दिख रहे हैं. फिर ये ऊपर 15 mm विड्थ का गया, 15 mm के गया. ये ऊपर का सिलेंडर 25 का है लेंथ. ऊपर का सिलेंडर 25 mm लेंथ का है, तो 25 mm का बनाया मैंने. ये 50 mm का प्लेट है, तो 50 mm प्लेट का छोड़ दिया मैंने इधर, ठीक है. और इधर ये खुला है, ठीक है, ये दिख रहा है इधर. थैंक यू. अब लास्ट पॉइंट बचा है, ये जो हिडन सर्कल है ये ड्रॉ करना, और ये रिब. तो हिडन सर्कल का डायमीटर 24 है ना, तो 12 mm नीचे, 12 mm ऊपर. Make it dash hidden part. ये कहा दिखेगा साइड व्यू में, है ना. लास्ट पॉइंट बचा है रीब, जो कि हमें नीचे टॉक्सिन में बहुत हेल्प करने वाले और साइड व्यू में भी. सब लोग स्टॉप करो एंड फोकस ऑन द स्क्रीन. रिब का लेंथ हमें पता नहीं, सो सब लोग स्टॉप करो, स्टॉप एवरीथिंग, फोकस ऑन स्क्रीन. देखो मैं क्या दिखा रहा हूं. एंड लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. Whether that rib is tangentially touching to the cylinder bottom one, क्या इसको ये tangential हम बना सकते हैं? क्या ना है? Whether that rib is tangentially touching it? Is it tangential? स्क्रीन के ऊपर देखो, ड्रॉ कर रहा हूं मैं अभी. Good. You are agree ना? Yes. Thank you. So I'm making tangent. Got it? So find out that point where it touches here. इस पर से प्रेस करो पेंसिल से. यहाँ टच किया उसने. So I can drop that point for the top view reference. Can I? Whether front view is complete? Whether front view is complete? Whether front view is complete? Yes. Let's move towards the top view. See. Now, top view mein kaisa dikhega? Top view iska difficult hai imagine karne ke liye. मगर अगर आप सारे कॉर्नर्स ड्रॉप डाउन करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, है ना. पता है हमें सिलेंडर रेक्टेंगल दिखने वाला है, रिब क्लियरली दिखने वाली है, ये भी रेक्टेंगल दिखने वाला है, ऐसा है ना, क्रॉस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. जस्ट ड्रॉप डाउन द ऑल रेफरेंसेस टू द बॉटम.
नीचे रेफरेंस लो सारे कॉर्नर्स एंड ऑर्थोगोनल है, मैं जैसा कर रहा है वैसा मत करो, यूज अ रोल एंड ड्रॉ और सेट स्क्वायर केयरफुली। पॉइंट आउट द सेंटर 35 पर। Let's start. हम किसके बारे में सोचेंगे अभी, जो विजिबल पार्ट है उसके बारे में, ठीक है। चलो कैन आई ड्रॉ दिस एज ऑफ दिस सिलेंडर फॉर बोथ साइड, अगर इस इधर से भी वो ओवरलैप होके डार्क ही दिखेगी तो दोनों एजेस डार्क होंगे, फिर ये डायमीटर वाला एज भी डार्क होगा। देखो नीचे दिखाया है, ये रेक्टेंगल पूरा सिलेंडर है, वो नीचे का सिलेंडर, ये ऊपर का सिलेंडर, फिर ये हेड पार्ट, ये बचे तीन फीचर है, 1 2 3 1 2 3। देखकर बनाना बहुत इजी है, इमेजिन करो ये मैं क्या बना रहा हूं, मैं अभी यू कैन कम इन चैट बॉक्स क्या बना रहा हूं मैं, दिस इज सिलेंडर, बॉटम सिलेंडर और बेस सिलेंडर, ये पूरा रेक्टेंगल जैसे दिखेगा सिलेंडर, दिस इज अ सिलेंडर, ओके गुड। अभी ऊपर का सिलेंडर बना रहा हूं मैं, आई एम ड्रॉइंग इट द टॉप सिलेंडर, कैसे दिखेगा टॉप सिलेंडर, टॉप सिलेंडर कैसे दिखेगा, इसको क्रॉस दिखेगा ना सर सेम, और इसका रेडियस दिया है 20 और अंदर का 45 5, तो 12 नहीं 20 आर 20, सो 20 mm ऊपर 20 mm नीचे, ठीक है। तो यूज़ सेट स्क्वायर, ये आएगा डार्क का हाथ तक, यहां तक 25 mm पर, फिर ये आएगा डैश लाइन, ये जो रेफरेंस आया ना
इसका बोल रहा हूँ मैं। सो ये भी दिखेगा डार्क, यू गॉट इट। ये प्लेट तो ओवरलैप हो रही है। क्या वो आप दिखा सकते हैं हिडन? बोलो। बोलो हिडन क्या है प्लेट? ये दोनों सिलेंडर तो समझ में आए कि नहीं? इसका भी रेडियस बाकी है। थैंक यू। इसका ये वाला, ये मैंने रेफरेंस नीचे भी लिए भी नहीं, ये भी बाकी है। कितना है? 540। ओके, ये वाले मैंने लिए भी नहीं, ऐसे ही है ना, ये इनर सिलेंडर बना रहा हूं। 70 mm, 70 mm विड्थ वाला। ओके, इनर सिलेंडर बाकी था। You can use a roll and draw. So ये डैश लाइन जाएगा 70 mm विड्थ का इनर सिलेंडर। टॉप व्यू इज कंप्लीट। रीप बचा है, रीप 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 का रेफरेंस लिया है कि हमने? नहीं। लो फिर रीप रीप कहां तक ड्रॉ करनी है? रिब का विड्थ कितना है? टेन एम एम। सो 5 mm अप, 5 mm, 5 mm बिलो, 5 mm ऊपर। So make it dark. Okay. So आप बोलो कि सर कुछ सॉल्यूशन में तो ऐसा थोड़ा सा कर्व दिया है, तो इसका वो प्रोडक्शन हाउस को क्या समझ में आना चाहिए? ये बेंड क्यों किया है? इसका एंड बेंड क्यों करना है? थोड़ा सा नीचे ऐसा बेंड करना है। क्यों करना है बैंड? कोई बोलेगा? एनी गेसेस? ये बैंड क्यों करना है? एनी गेसेस? क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस को समझ में आया है कि ये टेंजेंशियली टच कर रहा है, सिलेंड्रिकल है। समझ में आना चाहिए कि ये टेंजेंशियल है नीचे वाले सिलेंडर को। इसके लिए ध्यान में रखो,
इसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों बेंड करना है, ये हाथ से थोड़ा सा ऐसा बेंड करना। ओके देन वी विल गो फॉर द आई थिंक टॉप व्यू इज कंप्लीट, देन वी विल गो फॉर द साइड व्यू, ड्रॉ द 45 डिग्री लाइन। अगर आपने रेफरेंसेस बराबर लिए हैं तो यू कैन ड्रॉ डायरेक्टली हेयर कॉर्नर ज्वाइन कर सकते। तीनों कॉर्नर आ रहे क्या, एक दो तीन कॉर्नर अगर एक लाइन में आ रहे तो आपका एंगल बराबर है 45, नहीं तो नहीं। तो सीधा आप क्या करो, एंगल प्रोटेक्टर यूज करो, रिस्क मत लो। मेरा तो करेक्ट आएगा मुझे पता है, क्योंकि एंगल में एक डिग्री का भी एरर आया ना तो वो प्रोपेगेट होता है। मैं एक एग्जांपल दूं एंगल का एरर कितना सीरियस होता है। चलो एक एरोप्लेन ऐसा ट्रैवल कर रहा है और एक डिग्री से उसका पाथ छूट गया, सो जिस सिटी में जाना है उस सिटी में वो लैंड होगा क्या? अगर एरोप्लेन का एक भी डिग्री से पाथ छूट गया, एक डिग्री बोल रहा हूं, 1 डिग्री एंगल, एक भी एंगल से वो डिफ्लेट हो गया तो कौन से सिटी में जाएगा? जाएगा वो जिधर जाना है, नहीं जाएगा। सो एंगल वाला एरर वो बहुत सीरियस होता है क्योंकि वो प्रोपगेट होता है ऐसा।